दोस्तों इस वीडियो मैच कवर करने वाले जो कि आईसीसी मैंस T20 वर्ल्ड कप का एक इंटरेस्टिंग सा मैच खेला जाएगा, जो कि T20 मैच है, वो भी आयरलैंड का है। तो आप लोग बेझिझक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप लोग स्मॉल लीग रैली दोनों में पैसा लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा टाइम नहीं इस मैच को स्टार्ट होने में, सिर्फ 6 घंटे ही हमारे पास समय है, तो इतने कम टाइम बचे हुए हैं। बट कोई टेंशन नहीं, आपको फाइनल टीम टेलीग्राम पे 15-20 मिनट आपको पहले मिल जाएगी। जैसे लाइनअप अनाउंस होगा, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे 15-20 मिनट पहले मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चाहे यूज से ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको मैं फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स के लिंक से ज्वाइन करना। कमेंट बॉक्स के लिंक से ज्वाइन करोगे तो आप ऑफिशियल ज्वाइन करोगे, फिर सर्च करो तो हजारों फेक चांस आपको मेरे नाम से देखने को मिलेगा, जो कि मेरे नहीं है और फ्री चैनल एकदम है मेरा। आपसे 1 रुपये पे करने के लिए भी बोलता हूँ। तो ऑफिशियल टेलीग्राम चाहे ज्वाइन करें, जहाँ पे एक्टिव यूजर्स 10,000, हर पोस्ट पे मतलब कैसे होनी चाहिए 8,000-10,000 ऐसे पोस्ट व्यूज होनी चाहिए। तो टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल ज्वाइन करना, 30,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होनी चाहिए उस चैनल पे, 30,000 से ज़्यादा लोग होनी चाहिए, तो फेक मत ज्वाइन करना। तो ये जो मैच खेला जाएगा, पहले बता देता हूँ, ये जो मैच है स्कॉटलैंड में खेला जा रहा है, और आई थिंक ये वही एडिनबर्ग का विकेट है जहाँ पर बाकी मैचेस खेले गए, ठीक है, ये वही विकेट है। आई थिंक इसी विकेट पे लास्ट मैच आयरलैंड खेल के आ रही है, ध्यान रखिएगा। और ये मैच 8 बजे स्टार्ट हो जाएगा एग्जैक्टली, तो आप लोग एग्जैक्टली 7:30 पे, एग्जैक्टली 7:30 पे टेलीग्राम पे एक्टिव रहना और हमेशा के लिए एक्टिव रहना। पिच रिपोर्ट आपको बता दूँ, ये जो विकेट है पेसर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, न्यूट्रल विकेट है, लेकिन पेसर्स को आप कवर करके चलेगा अपनी टीम में, पेसर्स आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो पेसर्स को आप कवर करके चलेगा। उसके अलावा देखोगे, सबसे पहले जर्सी का पहले हम प्लेइंग में देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे आयरलैंड का। तो जर्सी का देखोगे हैरिसन कार्लोसन, यहाँ पे देखोगे हैरिसन कार्लोसन ओपन करेंगे टीम 10 से इस मैच के लिए ओपन करने वाले, जूलियस के साथ ओपन करेंगे, निक ग्रीनवुड जो कि वर्ना पार्टी भी करते। देखो आप कभी भी ना एक चीज़ याद रखना, जो बड़े देखो आप सोचो जर्सी कमजोर टीम है, इनके प्लेयर्स एक तरफा हार देंगे, नहीं भाई, ऐसे ऐसे टीम्स में ना कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो कि ना बहुत अच्छा मतलब मैच मतलब उनके लिए जाता है, बहुत अच्छा फाइट देते हैं, तो इसलिए बोलता हूँ। तो उसी तरह का निक ग्रीनवुड है, जो कि ना भले जर्सी हार जाए बट निक ग्रीनवुड अपना कंसिस्टेंट रहता है, बहुत अच्छा प्लेयर टीम में से। उसका ऐसा ट्रिप है जो कि हीटिंग अच्छा करता है, लगता नहीं कि बंदा हीटिंग कर पाएगा, लेकिन आते ही हीटिंग अच्छा करता है, लेकिन लगता नहीं ऐसा, टॉप ऑर्डर का ही प्लेयर है, वो ना बैटिंग करेगा। उसके अलावा जॉन्टी जेनर भी अवेलेबल है, बेंजामिन बॉट भी अवेलेबल है, जॉस लॉरेंस भी अवेलेबल है, चार्ली भी अवेलेबल है, इलोट भी अवेलेबल है, उसके बाद डॉब एलपेंट भी है, 40 जो कि टीम से कैप्टनसी करेंगे, 40 जो कि टीम से कैप्टनसी करेंगे। तो ये तो जर्सी का लाइनअप है, आई थिंक यही बैटिंग ऑर्डर भी होनी चाहिए, मुझे नहीं था कोई बैटिंग ऑर्डर चेंजेस होंगे, वही बैटिंग ऑर्डर मान के चलिए। अब देखते हैं आयरलैंड का, देखोगे लास्ट मैच एंडी बेलबेरी ने मिस किया था, अब एंडी बेलबेरी ने मिस किया था तो हो सकता है कि इस मैच वापसी करे, क्योंकि देखो आयरलैंड क्या है कि लास्ट 3 में से 3 मैचेस विन करके आ रहे हैं, लगातार 3 मैचेस विन करके आ रहे हैं, इसलिए उनको रेस्ट पे दे दिए थे, और उससे भी सामने कमजोर टीम थी इसलिए वो रेस्ट पे चले गए थे। इस बार देखते हैं क्या इस मैच वापसी करेंगे, मेरे हिसाब से वापसी नहीं करेंगे एंडी, हो सकता है कि आज भी रोज एड्रिक ओपन करे, पॉल स्टिंग ओपन करेंगे, कैप्टनसी कर रहे टीम से रोज एडर के साथ ओपन करेंगे, रोज एडर भी पावर हीटर जैसे पॉल स्टिंग, हालांकि पॉल स्टिंग तो भाई सबसे हर कोई जानते हो कि पावर हीटर है। उसके अलावा लॉर्ड क्विंटो को जो वरना बैटिंग करें टीम से, हैरी टिकटॉर फोर ना बैटिंग करेंगे, क्रिस्टिस केपर फिर ना बैटिंग भी करेंगे, प्लस 4 ओवर बॉलिंग भी करेंगे, हो सकता है कि कभी भी वरना बैटिंग करने आ जाए, जिस दिन अगर लॉर्ड नहीं आएंगे वरना बैटिंग करने उसी कंफर्म हो सकता है कि क्रिस्टिस केपर वरना बैटिंग करें, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपको पता है कि टुकर वो जनरली नीचे मिडल ऑर्डर वाला प्लेयर है, आपको ये पता ही है, विकेट कीपिंग प्लस मिडल ऑर्डर बैटिंग करते हैं, बट आजकल वरना बैटिंग कर रहा है, इसलिए बता रहा हूँ। क्रिस्टिस केपर को पता ही है, नील रॉ भी एक ओपनर है, डोमेस्टिक मैचेस ओपन करता है, आयरलैंड T20 जो चलता है डोमेस्टिक वाला उसमें ओपन किया करते थे, और अच्छा प्लेयर टीम में से जो। उसके अलावा जॉर्ज डॉकरेल, हर कोई जानते हैं जॉर्ज डॉकरेल को, जॉर्ज डॉकरेल एक इनफॉर्म प्लेयर है, और सबसे बड़ी बात हिटिंग जबरदस्त करते हैं और बॉलिंग भी अच्छा करते हैं। जोसुआ लिटिल टीम 10 से डेथ बॉलिंग कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात, और एक जबरदस्त प्लेयर है और काफ़ी अच्छा मतलब कि विकेट्स लेके जाते हैं। मार्क एडर टीम 10 से बॉलिंग ऑलराउंडर है, विकेट्स भी अच्छा लेते हैं और हिटिंग भी अच्छे करते हैं, लेकिन टीम 10 से बॉलिंग शानदार करते हैं। बैरी मैकेटी भी एक बॉलिंग ऑलराउंडर है टीम 10 से, जो कि बैटिंग बॉलिंग दोनों अच्छे करते हैं लेकिन बॉलिंग शानदार करते हैं, कभी कल विकेट ले चले जाते, बट अच्छे प्लेयर ओवरऑल काफ़ी सही है। तो ये तो, और उसके अलावा बेंजामिन वाइट, जिसे आप बेन वाइट भी कह सकते हो, काफ़ी ज़बरदस्त प्लेयर है टीम 10 से, विकेट टेकिंग प्लेयर है, लेकिन इसका फॉर्म थोड़ा सा ख़राब चल रहा है पहले से, लेकिन अदरवाइज ज़बरदस्त प्लेयर है। तो ये तो आयरलैंड का लाइनअप आप एक बार देख लो, प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर साथ है। अगर आप रिसेंट फॉर्म देखोगे, जर्सी ने लास्ट 3 में से सिर्फ एक ही मैच वन किए, वही आयरलैंड 3 में से 3 मैचेस विन करके आ रहे हैं। और उसके अलावा टिप्स दे देता हूँ, देखोगे तो टॉप ऑर्डर्स को आप देखो पिच के हिसाब से टॉप ऑर्डर को कवर करके चलेगा,
और उसके तहत ओवर कब कवर करके चलेगा। विकेट कीपर धोनी अच्छे बट टुकर अब इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। पेसर्स कब कवर करके चलेगा। अब उसके अलावा बता देता हूँ स्मॉली के लिए मस्ट पिक, निक ग्रीनवुड को कवर करके चलेगा। उसके अलावा वेनेजियन वार्ड को कवर करके चलेगा। मार्क एडर क्रिस्टस कैंपर को कवर करके चलेगा। स्मॉली की टीम है, स्मॉली के लिए जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है ग्रेलिटी में आप डॉम मेलपेट को ट्राई कर लीजिएगा और जॉर्ज ड्रॉकरेल को कर लीजिएगा। रोज रेडर ट्रम्प कार्ड हो सकता है ग्रैली की टीम में। बाकी डेथ में जो बॉलिंग कर सकते इधर से 40 डेथ में बॉलिंग करेंगे। जर्सी की टीम उधर से 40 बॉलिंग करेंगे डेथ में। और उसके अलावा जोसुआ लिटिल आयरलैंड की टीम उधर से डेथ में बॉलिंग करेंगे, तो ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेथ ओवर देख लो, इधर से 40 बॉलिंग करेंगे तो जोसुआ लिटिल। बाकी मैं आपको टेलिया पे से 5 टीम शेयर कर दूंगा, तो टेंशन मतलब एकदम फ्री में आपको टीम भी दे दूंगा। 30,000 से ज़्यादा लोग हैं तो आप भी ज्वाइन कर लो, इंतजार मत करो, कमेंट बॉक्स में लिंक पिन उस पर टैप करके ज्वाइन कर लो, फ्री टेलीग्राम चैनल है। एंड अब बात करते प्लेयर वाइज सैलरी से, बहुत लंबी वीडियो बन गई है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना, बस 5 मिनट वीडियो ख़त्म करना है क्योंकि भाई सबको हर एक किसी को पता प्लेयर्स को तो हर कोई जानते ही हो, जो इंपॉर्टेंट टिप्स है वो शेयर करना है कि कब किसको ड्रॉप करना है, कब किसको कैप्टन करना है, कब किसको पिक करना है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। बात कर विकेट कीपर सेशन को, उससे पहले दोस्तों वीडियो को जूस लाइक करके मोटिवेशन मिलता है, प्लीज़ वीडियो जूस लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब और सेट कर दो जिससे आने वाले वीडियो से सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। बात कर विकेट कीपर सेशन तो हो, मेरी जो टीम रहेगी कोई भी सिलेक्शन बेस पे तो नहीं रहने वाली, लॉजिक भी पे रहेगी। तो यहाँ पे एशर ट्रेपे भी अच्छे हैं, लोकेट टिकर भी अच्छे हैं, तो मैं अभी फिलहाल लोकेट टिकर के साथ जा रहा हूँ। अच्छा प्लेयर की वर्ना बैटिंग भी कर रहा है, एक कांस्टेंट प्लेयर है, एक भरोसेमंद प्लेयर है, ये आपको अच्छे पॉइंट्स देके जाएगा। वर्ना बैटिंग करेगा, एशर ट्रेपे का देखोगे एक है तो ये भी अच्छा प्लेयर है, ये भी हिटिंग अच्छा करता है एशर ट्रेपे, और साथ ही साथ क्या है ना वर्ना बैटिंग कर सकते नहीं, टू डाउन बैटिंग भी करेगा, अच्छा प्लेयर है, कवर कर सकते हो। लेकिन क्या है वो ये वाला जैसा जिसे जो कि जैसे कि लोकेट है वैसा नहीं, बस ये कभी काल हो सकता है जल्दीबाजी करे आउट हो जाए, लेकिन ये एक्सपीरियंस प्लेयर भी है, टैलेंटेड भी है और एक इनफॉर्म प्लेयर भी है। और उससे भी बड़ी बात कब वर्ना बैटिंग करने आ रहा है कि एक्सपीरियंस प्लेयर, इसलिए इन्हीं के साथ जाते हैं टुकड़ के साथ। आप ग्रैली ट्राई कर सकते हो उसको, पॉल स्ट्रिंग को कवर कर चले, अगर एंटी बैलबेरिन अगर खेलते हैं तो बैलबेरिन को कवर करके चले गए, फिलहाल के लिए एंटी को साइड रखते हैं। पॉल स्ट्रिंग मेरे हिसाब से एक मस्ट पिक होनी चाहिए क्योंकि अब ओपन भी कर रहे हैं साथ ही साथ कैप्टनसी करे, हालांकि वो ओपनर ही है हर मैच ओपनिंग करते हैं, कैप्टनसी करे। जे लॉरेंस पे अच्छा प्लेयर है, जैक हेनरी ये ना जबरदस्त एक कॉन्स्टेंट प्लेयर है, ये जर्सी का काफ़ी अच्छा कॉन्स्टेंट प्लेयर है। निक ग्रीनवुड में कवर करना प्रेफर करूँगा, टीम की तरफ से एक कॉन्स्टेंट प्लेयर टीम तरफ से बहुत टैलेंटेड है। तो मैं फिलहाल में 2 बैटर पिक करूँ बट अगर चाहो तो 3rd पिक कर सकते हो, हैरी टेक्टर को कवर कर सकते हो, टीम पहले बैटिंग करे तो मे भी हैरी टेक्टर अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लास्ट 18 रन मारा था बट मेरे हिसाब से रोटर के साथ रिस्क ले सकते हो, लास्ट में 70 मारा और 70 पॉइंट्स दिया था और मैंने इनको पिक भी किया था और टेलिया पे इतना ज़्यादा बोला था कि भाई ये पावर हीटर है रोज रेडर, आप कवर करके चलो, रोज रेडर को पावर हीटर है और लास्ट में 70 पॉइंट्स भी दिया था, मैंने बोला था ट्रम्प कार्ड है। फिलहाल मैं साइड रखता हूँ, कवर कर लूँगा कोई अच्छा प्लेयर नहीं मिला तो। अभी फिलहाल साइड रखते हैं, हैरी टेक्टर से अच्छा हीटिंग करता है वो, हालांकि हैरी टेक्टर इनफॉर्म हीटर है। उसके अलावा जैसे में देखोगे एक को इसके बारे में बता देता हूँ, जिलियूस देखोगे, जिलियूस अच्छा प्लेयर उससे उतना ख़राब नहीं है, लेकिन जिलियूस का देखोगे मैं कवर करना प्रेफर करूँगा, ओपन भी करेगा टीम से कवर करके चल सकते, जिलियूस प्लस बॉलिंग भी करेगा इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टस कैंपर इंपॉर्टेंट है, वी वार्ड की देखो विकेट टेकिंग प्रैक्टिस है वी वार्ड। उसके अलावा डॉक्टरल को साइड रखते, एच कैलेडोन देखो ये बंदा ना इसे कमज़ोर समझनी गलती मत करो, ये हिटिंग भी अच्छा करता है, बहुत सारे डोमेस्टिक मैचेस खेल चुका है और इंटरनेशनल मैचेस भी खेल चुका है, तो अगर आप चाहो तो इसको कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैंने बहुत मैचेस में जब मैच रहता था युगांडा के साथ रहता था, हांगकांग के साथ रहता था, जर्सी के साथ नहीं खेलते थे, जर्सी वर्सेस हांगकांग, जर्सी वर्सेस युगांडा, इस सब में ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता, तो मेरे हिसाब से अगर अगर आप चाहो तो हैज़ अ ट्रम्प कार्ड, स्मॉल टीम में रिस्क ले सकते हो बट ग्रैलिटी में जूस इसको ट्राई करिएगा, ये आपका ट्रम्प कार्ड हो सकता है, स्मॉल में भी रिस्क ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हैरिसन अच्छा प्लेयर है, इनफैक्ट ओपन करेगा एक दो में, हैरिसन को एक कंफर्म कर देता हूँ, हाँ अच्छा प्लेयर टीम से हैरिसन में भी ट्रम्प कार्ड हो सकता है, रिस्क ले सकते हो तो जूस लेना। उसके अलावा जोसुआ लिटिल इंपॉर्टेंट है, सभी मेन बॉलर्स को कवर कर चलो हाईलैंड, मार्केट इंपॉर्टेंट है, बैरी मैकेटी इंपॉर्टेंट है, बेंजामिन व्हाइट इंपॉर्टेंट है, भले विकेट लेना ले बट इंपॉर्टेंट नहीं है टीम से। ओवरऑल टीम बन चुकी है, अब जो 11 प्लेयर बचता है अब आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा कि आपको कहाँ से रिस्क चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप कुछ लोग बोलेंगे कि भाई मैंने अभी तक मतलब कि जर्सी के बॉलर नहीं पिक किया, तो जर्सी के बॉलर पिक करना वैसे इंपॉर्टेंट है क्या? अगर आपको लग रहा है कि नहीं जर्सी के बॉलर पिक करना इंपॉर्टेंट है तो पिक कर लो, मैं मना नहीं करूँगा। आप वैश्विक को पिक कर 40 को पिक कर सकते हो, ये बंदा जैसे बॉलिंग करेगा 40 जैसे बॉलिंग करेगी ये जर्सी की टीम, तो मैं इनको कवर कर रहा हूँ। बट अगर आप चाहो तो रोज राइडर के ऊपर रिस्क ले सकते हो, रोज राइडर या फिर हैरी कैलेडोन, ये हैरिसन ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है हैरी कैलेडोन अच्छा ऑप्शन हो सकता है, अगर आप चाहो तो रिस्क ले सकते हो। फिलहाल मैं
गया उन्हीं के साथ, ठीक है, पेचार्ड के साथ गया हो, अच्छा हो सर पेचार्ड कोई अच्छा, देखो डेथ में बॉलिंग करेगा सबसे बड़ा एडवांटेज है, डेथ में बॉलिंग करेगा, हालांकि देखते कितने विकेट एक्सपीरियंस प्लेयर ये भी है, मेरा मन नहीं कर रहा विराट को भी, बट क्या है विकेट टेकिंग प्लेयर है, जैसे में इंपॉर्टेंट है टीम का से अनी ग्रीनवुड ये ना कॉन्स्टेंट प्लेयर टीम का से, हालांकि ये भी जल्दीबाजी करता है बट ये भी कॉन्स्टेंट है, अच्छी हिटिंग ये भी करता है, ये डेथ 40 डेथ में बॉलिंग करेगा तो कवर के चलना ही पड़ेगा आपको। कैप्टन कैप्टन देखो कुछ गेम पर अच्छा प्लेयर है, मना नहीं करूँगा कैप्टन कर सकता तो लास्ट सचिन भी मैंने कैप्टन किया था, हर मचिन को कैप्टन किया आयरलैंड की टीम में से, ये क्या है कि फिर ना बैटिंग भली करने आ रहे बट बॉलिंग चार ओवर कर रहे, तो अच्छा एडवांटेज इनके पास एज अ कैप्टन जा रहा हूँ। वाइस कैप्टन अगर टीम पहले बैटिंग करे तो पॉलिस टीम को ट्राई कर सकते हो, या फिर जोशुआ लिटिल को ट्राई कर सकते हो, या फिर मार्क एटर को ट्राई किया जा सकता है। जोशुआ लिटिल में जनरली ट्राई तो करता ही हूँ बट मार्क एटर भी एक जबरदस्त ऑप्शन हो सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मार्क एटर क्या है कि एक इनफॉर्म प्लेयर भी है, जोशुआ लिटिल अगर विकेट ले चला जाता है बट मार्क एटर कम से कम एक विकेट लेके जाता है, तो ये एक फ़ायदा है। बट जोशुआ लिटिल का और भी फायदा है कि जोशुआ लिटिल का ना डेथ में बॉलिंग करना होता है, तो जोशुआ लिटिल को फिर वाइस कैप्टन कर सकते हो या फिर मार्क एटर, मार्क एटर के साथ जा रहा हूँ बट आप चाहो तो सुरीमर को कर सकते हो या फिर कर सकते हो पॉलिस्टिन को या फिर कर सकते हो जोशुआ लिटिल को, इन सबको कर सकते हो अपना वाइस कैप्टन मार्केटिंग के साथ जा रहा हूँ। कितना भी खराब बॉलिंग करे या फिर विकेट्स ना मिले लेकिन कम से कम एक विकेट इनको कैसे भी मिल ही जाता है ये आप भी जानते हो, इसलिए मार्केट के साथ मैं अपना वाइस कैप्टन जा रहा हूँ, क्योंकि एक विकेट कम से कम ये लेके ही जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि फर्स्ट पावर प्ले में न्यू बॉल से स्टार्ट करते हैं, तो मेरे हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन होनी चाहिए। सेम टीम से कॉन्टेस्ट बुक कर लो, हो सकता है बहुत चांसेस है कैप्टन टीम हैरिसोन को मैं कवर करूँ, हैरिसोन एक जबरदस्त ऑलराउंडर है जर्सी का, उसके अलावा ये भी जबरदस्त प्लेयर है, इसको कवर के चलो अच्छा ऑप्शन रहेगा। सेम टीम से कॉन्टेस्ट बुक कर लो, मैं मिलता हूँ टेलीग्राम पे। बाकी टीम सही है, स्मॉल परफेक्ट टीम, जैसे स्मॉल की टीम एक होनी चाहिए ना 7-4 का कॉम्बिनेशन बनाए जो कि बहुत परफेक्ट से टीम बनाए, अगर टीम में चाहो तो रोज रेडर कवर कर सकते हो, अगर टीम पहले बैटिंग करे तो रोज रेडर अच्छी हिटिंग कर सकता है, अगर टीम पहले बैटिंग करे तो रोज एज अ पॉलिसी को कैप्टन जू से करा, देखो ऐसे मैच से मिनी रैली ग्रैली जू से खेला करो, स्मॉल लीग तो खेलो ही बट आप मिनी रैली जू से टारगेट किया करो रैली वगैरह, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करना, मैं मिलता हूँ टेलीग्राम पे, स्क्रीनशॉट लो जाके कॉन्टेस्ट बुक कर दो। जो से ज्वाइन कर लेना ठीक है।